नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एची ऑन गेमिंग में। तो GT3 के लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा ही था, हम जाते हैं अपने केंजी के पास और केंजी के पास जाने के बाद वो हमसे बोलता है कि वो ना कुछ लोगों को काफी टाइम से जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि उनका जो है प्रोटेक्ट कर रहा है उनकी शॉप को उनको। तो यहाँ पर जो है उनसे हमें प्रोटेक्शन मनी लेके आनी होती है, यानी कि वो फ्री में तो प्रोटेक्शन देगा नहीं अपना केंजी भाई। इसी चक्कर में हम जो है वहां पर जाते हैं उन सारे के सारे शॉपकीपर्स के पास और सबसे जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोटेक्शन मनी। और उसके बाद जब लास्ट वाले शॉप पर जाते हैं ना, तो वहां पर कुछ और गैंग के मेंबर्स उससे जो पैसे हैं वो लेके चले जाते हैं। तो हम जाते हैं उस गैंग के बंदे के पीछे, उसको यहां पे हम ठोक डालते हैं और उसके बाद जो ब्रीफकेस है उसको हम लेके यहां पे दे देते हैं कैंजी को, यानी कि कैंजी के पास पैसा ही पैसा हो जाता है यहाँ पे और उसके बदले में हमें वो थोड़ा सा हिस्सा दे देता है उसके काम करने में। तो आज से जो है हम यहीं से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लिबर्टी सिटी में बज रहे हैं सुबह के 7:30 और यहाँ पर जो है सुबह का टाइम है और जो कैंजी है इसके कैसीनो के पास ही मैं खड़ा हुआ हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर जो कैंजी है इससे फिर से मिलने के लिए चल लेता हूँ। लास्ट टाइम ना नीचे की तरफ जो गाड़ी रखी हुई है ना, उसी गाड़ी से जो है मैं यहाँ पर आया था कैंजी के पास। और यहाँ पर ना एक कैसीनो, इतना बड़ा कैसीनो चलाता है अपना कैंजी। और यहाँ पर जो है पुलिस से बचने के लिए यहाँ पे एक स्टार भी दिया हुआ है जिसको कलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना जो वांटेड लेवल है लिबर्टी सिटी में वो आप कम कर सकते हो। फटाफट से इससे मिलने के लिए चल लेता हूँ। अब मुझे लगता है ना कि यहाँ पर मैं 100% कह सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो पेड़ वगैरह हैं वो यहाँ पे लगे होंगे। अभी तो यहाँ पर देखने के लिए चलते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ वगैरह है कि नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेड़ है वो ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं काफ़ी सारे। और How fitting you should choose this moment to show your worthless faith. ये इतना नाराज क्यों यार? Attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardie pushes line Liberty Street, selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us, at me. I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well-founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो है सटक गया है अपना कैंची और यहाँ पर ये क्या चाहता है कि जो यार्डीज है ना, यार्डीज यहाँ पे पूरी लिबर्टी सिटी में जो यहाँ पे ड्रग्स वगैरह है वो यहाँ पे बेचने में लगे हुए हैं, वो भी बिल्कुल जैसे कि कोई बंदा बर्गर या आलू की टिक्की बेचता है इंडिया में। तो यहाँ पर जो लिबर्टी सिटी में वही सीन हो रखा है। तो फटाफट से यहाँ पर जो है मुझे सबसे पहले तो इन सारे के सारे यार्डीज को जो है टपकाना होगा, यानी कि जो है इनको ठिकाने लगाना होगा। फिलहाल के लिए ये ना यहीं पर अपने मतलब कि रोड साइड में जो है स्पैंक वगैरह बेच रहे हैं, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह है ये यहाँ पे बेचने में लगे हुए हैं। और ड्रग्स को ना यहाँ पे आपको पता ही है, ये जो अपना कैंची है ना यहाँ पे ड्रग्स का नाम लेने के बजाय यहाँ पे स्पैंक स्पैंक बोलता रहता है। अब स्पैंक से तो किसी को समझ में नहीं आने वाला, बट ड्रग्स से तो सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये सारे के सारे जो यार्डीज है ये यहाँ पर स्पैंक नाम का यूज़ करते हैं, जिससे कि यहाँ पे पुलिस वालों को भी पता ना पड़े कि आखिर में वो बेच क्या रहे हैं। तो ये रहा सबसे पहला मेंबर जो कि यहाँ पे ड्रग्स बेच रहा है। तो सबसे पहले इसको ना मैं गाड़ी से ठोक डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बंदे को तो जो है मार दिया है। अभी यहाँ पे पीछे की तरफ एक और बंदा है जो कि अभी अभी यहाँ पर मेरे रडार में जो है रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि मेरे मैप में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो फटाफट से इसको भी जाके मैं जो है ठिकाने लगा देता हूँ। ये ना मतलब इन्होंने ना हद करके रखी है बिल्कुल, मतलब सड़क पे यार बिना कैंजी से पूछे यहाँ पर ये जो है बेचने में लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने इसको भी जो है टपका दिया है। अभी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो लोग हैं यार्डिस वाले वो मेरे रडार के अंदर जो है रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तो फटाफट से इनको जाके भी यहाँ पर मैं टपका देता हूँ। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर ना मैंने दो लोगों को टपका दिया है यार्डिस के। अभी तीसरे बंदे की बारी जो कि मेरे हिसाब से ना यहाँ पर सामने वाले पार्क में है। और ऊपर से यहाँ पर मेरे ऊपर जो पुलिस है ये भी यहाँ पर पड़ चुकी है, यानी कि मेरा जो वांटेड लेवल है ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है और यहीं का ही होना चाहिए। वो यार्डी का बंदा, तू किधर जा रहा है? तेरी तो ऐसी कम तैसी, तुझे मैं ऐसे लेटा लेटा के जो है मारने वाला हूँ। ऑल राइट, पूरी तरीके से जो है मार दूंगा मैं इसको। ए मरता क्यों नहीं? अबे निकल, अभी जाके जो है मर गया है। और यहाँ से जो है अभी निकल लेता हूँ क्योंकि जो पुलिस है वो यहाँ पर अंदर की तरफ तो आ नहीं सकती है। और यहाँ पे ना मेरे हिसाब से सामने की तरफ एक और बंदा है तो इसको भी जो है मार देता हूँ। मतलब ये ना क्या करते हैं ये यार्डिस के बंदे, जैसे कि जैसे इनका जो ड्रग्स है वो बिक जाता है, जैसे कोई बंदा इनके जो ड्रग्स है इनसे परचेस कर लेता है और इनको जैसे पैसे वगैरह मिल जाते हैं ना, उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रीट से एकदम गायब हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई बंदा जो है इनविजिबल हो जाता है। ऑल राइट, इस बार भी ये जो है बचने वाला नहीं है, ठीक है। इस बार भी मैंने जो है इसको ठोक दिया है। चार लोगों को यहाँ पे मैंने टोटल मार दिया। और मुझे ना यहाँ पे जितने ज़्यादा लोगों को मैं मारूंगा ना उतना ज़्यादा यहाँ पे जो मुझे कैश है
वो यहाँ पे मिलने वाला है। ऑल राइट, जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो मैंने अपनी गाड़ी है ये तो यहाँ पर चेंज कर ही लिया है, क्योंकि उस गाड़ी में ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी वो गाड़ी, और उसमें जो आग है वो लगने वाली थी। और यहाँ पर एक बंदा है, लेकिन वो जो बंदा है वो इस पुल के नीचे है, तो मुझे ना यहाँ पर इस पुल के नीचे जाके मारना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ना यहाँ पर मैंने 5 यार्ड इसको मार दिया है, और वो जो बंदा है उसको मैं एक काम करता हूँ, जान देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया तो जगह पे तो और भी जो बंदे हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एक बंदा जो है सामने की तरफ ही है, तो इसको भी जो है पीछे से ठोक देता हूँ। नहीं, मैंने इसको ना आगे की तरफ से ठोका है। और राइट, अभी यहाँ पर आगे की तरफ चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे हिसाब से कोई ना कोई बंदा है। यहाँ पर नहीं है वो, ना इस बिल्डिंग के जो है उस साइड है, यानी कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ अपनी गाड़ी को लेके, बट मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जो सावधानी है ये यहाँ पर बरतनी पड़ेगी। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये भी मेरे गाड़ी के ऊपर जो गोलियाँ ये यहाँ पर चलाने में लगा हुआ है, और जो पुलिस है इससे भी यहाँ पर मैं बच चुका हूँ। फटाफट से ना मैं वापस से उसी साइड में चल लेता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर पार्किंग तक जाऊँगा तो यहाँ पर बच जाऊँगा पुलिस वालों से खास करके। ऑल राइट, तो यहाँ पर ना मेरे ऊपर ऑलरेडी एक 1 स्टार की जो पुलिस है वो यहाँ पर लगी हुई है, और मुझे ना इससे भी बचना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी पुलिस वाला आके जो मेरा एनकाउंटर है वो यहाँ पे कभी भी कर सकता है। और यहाँ पे एक और बंदा है यार्डी का, जो कि यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा है, बट मैं यहाँ पे इसे पीछे की तरफ से ठोक दूंगा। यहाँ पर मैंने टोटल यहाँ पे 8 लोगों को मार दिया है, बट आप सभी को तो पता ही है जितने ज़्यादा यार्डी उसको मारूंगा मैं उतनी ज़्यादा जो पैसे हैं वो यहाँ पर मुझे कैंजी देने वाला है। एक सेकेंड, यहाँ पर ना मैंने गलती से अपनी जो गाड़ी है इसमें ब्रेक लगा दिया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे की तरफ एक और है यार्डीज, तो इसको भी जो है मैं यहाँ पर जाकर ठोक देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना आज जो अपना कैंची है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने में लगा हुआ था, उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि ये सारे के सारे यार्डीज है ना ये यहाँ पर पूरे के पूरे शहर में जो ड्रग्स वगैरह हैं वो यहाँ पर बेचने में लगे हुए थे, यानी कि जो स्पैंक है वो यहाँ पर बेच रहे थे। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो अपने यार्डीज उनको मार दिया, और मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं $10,000, और इतने पैसे तो काफ़ी होंगे, मतलब मैंने 8 यार्डीज को मारा और 8 यार्डीज के बदले में यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं $10,000, यानी कि एक यार्डी पे मुझे अराउंड 1,000 यानी कि $120 जो है यहाँ पर मिले हुए हैं। तो अगर आपको ये जो GT3 का एपिसोड है ये पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए, क्योंकि अब ना मैं यहाँ पे फिर से जो है कैंची के पास नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं फिर से जाऊँगा तो फिर से वो जो है मेरे ऊपर इसी टाइप से चिल्लाएगा। मतलब एक तो एक इनका काम करो, ऊपर से यहाँ पर ये चिल्लाते भी हैं, इसी चक्कर में मैं जो है अब कैंची के पास नहीं जाने वाला हूँ। और इसके बारे में जरूर से आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको मिलता हूँ GT3 के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमेशा की तरह खुश रहिएगा।